वेलकम टू द जीके ट्रिक्स विद प्रणव। आरआरबी पीओ इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कंप्लीट गाइडेंस। आरआरबी पीओ मतलब रीजनल रूरल बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो आपके मेंस की एग्जाम हो चुकी है, अब आपको रिजल्ट का इंतजार है, उसके बाद में होगा आपका इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए आपको कैसे प्रिपेयर रहना है, एक कंप्लीट सीरीज में आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, इस सीरीज में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है। साथ में कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। जब मैंने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया था तब मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, और भी कई सारे एक्सपीरियंस जो है अदर स्टूडेंट के, वो भी आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो पूरे सीरीज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कीजिए। देखिए, आरआरबी पीओ में क्या होता है, जनरली आपका जो रीजनल रूरल बैंक है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस रहता है, इसलिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके इंटरव्यू में। तो उस क्वेश्चन को भी कैसे टैकल करना है, या फिर आपका जिस फील्ड में भी करियर आप कर चुके हो, मतलब आप बीकॉम ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, बीटेक ग्रेजुएट हो, बीएससी ग्रेजुएट वगैरह हो, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको डिटेल में एक एक करके सब समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट, और एक और टॉपिक है कि आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए जब आप इंटरव्यू को जाते हैं। तो आपने शर्ट कौन से पहननी है, पैंट कौन से कलर की पहननी है, टाई कैसा होना चाहिए, आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साथ में देखिए, अगर आप इंटरव्यू को जाते हैं और आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो तब कैसे डील करना है, ये सारा जो टॉपिक्स है मैं इंटरव्यू के सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो आपने अभी तक जीके ट्रिक्स विद प्रणव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आरआरबी पीओ की एक प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को भी आप सेव कर लीजिए या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उस सीरीज में आपको टोटली गाइडेंस मिल जाएगा आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए, और ये बिल्कुल फ्री में आपको मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको ये पूरा गाइडेंस मिलने वाला है। स्टडी करते रहिए, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपका अगर मेंस अगर क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है। थैंक यू।